वेलकम टू पाकिस्तान ब्रो आफ्टर 7 इयर्स। अस्सलाम वालेकुम। मुबारक वेलकम टू पाकिस्तान जी। 7 साल बाद भाई जी आए हैं। 7 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से आ गए हैं। हाँ, ये बिहारी वाले स्पाइसी होते हैं, मामूली सा स्पाइस इसमें ज़्यादा होता है और ये वाले ठीक होते हैं। तो जैसे आपकी टेस्ट बर्ड्स आपको इजाज़त दें उस हिसाब से आप मंगा लें। फिलहाल हम खाते हैं इसको। पानी पीने की जगह बनाई हुई है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको कुत्ता बन के पानी पीना पड़ता है, कुत्ते वाले स्टाइल से। ये जी क्राउन क्रेस्ट पिज़्ज़ा, जो कि यहाँ की स्पेशलिटी है, बहुत ही मज़े का होता है, खाने में बहुत ही मज़ेदार। अगर यहाँ आए तो क्राउन क्रेस्ट लाजमी ट्राई कीजिएगा अगर आप चीज़ें नहीं आई पहले। मेरा तो पसंदीदा है। इसके अलावा स्टफ्ड क्रस्ट काफ़ी अच्छा है, ये भी अच्छा है, तो दोनों ट्राई करें, मज़े के होते हैं। क्यों जी ऐसा को ना, फुल चिल माहौल में आ रहे हैं जी लोग। लगता है ऐसे लगता है वॉशरूम से निकल के हैं, तौलिया फेंका हुआ है ऐसा देखें। ये जेलों से निकल गए हैं, जेलों से निकल गए ये जेलों से निकल के आए हैं जी। हमारे साथ बने रही हो उगला गैंग पर जरूर देखने तुम अगे करके तकने हो तो मेरा वॉच टाइम नहीं पूरा होना नहीं। क्या हो जी पूरा ब्लॉग देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कोई सजेशन हो तो वो हमें बताएं जी। हाँ, नेगेटिव कमेंट से परहेज करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हूँ जी, दिस इज नैनशा एंड यू आर वाचिंग एक्सप्लोरिंग विद शाह। तो आज मेरे लिए बहुत ही स्पेशल दिन है क्योंकि मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट अपने भाई को लेने, और वो तकरीबन 7 साल बाद आ रहे हैं। 7 साढ़े 7 साल हो चुके हैं उनको, अभी वो यूके से यहाँ पाकिस्तान आ रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत ही अजीब सी फीलिंग है, बहुत खुशी वाली, और बहुत ही मतलब कि 7 साल हो चुके हैं अपने भाई को मैं नहीं मिला, और आज उसको रिसीव करने जाना है। लेकिन उससे पहले अभी मुझे फरहान भाई की कॉल आई है, वो आ रहे हैं लेने मुझे। तो उनके तकरीबन जो 5 मिनट हैं वो 20 मिनट या आप कह लें 1 घंटे के बराबर होते हैं। रिजवान भाई जो हमारे दोस्त हैं, उनको अल्लाह ताला ने बेटे की नेमत से नवाजा है, लेकिन कुछ दिनों से वो बीमार है, नर्सरी में एडमिट है। तो पहले उनकी तरफ जाएंगे, उनके साथ ताज़ियत करेंगे, थोड़ा बैठेंगे, गपशप लगाएंगे, ताकि उनको जो टेंशन डिप्रेशन है वो थोड़ी रिलीज़ हो जाए। उसके बाद जी फिर हम निकलेंगे भाई को लेने, और इंशाल्लाह फिर जाते हैं। अभी मैं फरहान का वेट करूँ, फरहान भाई आए तो मैं भी घर से निकलता हूँ। तकरीबन आधा घंटा हो गया और फरहान भाई की गाड़ी अभी तक गर्म नहीं हुई। ठंड इतनी है भी नहीं, वैसे है ठंड, लेकिन गाड़ी को इतना गर्म करना भी मुनासिब नहीं होगा। वो लगता है वो कहते हैं हीट की सुई ऊपर तक चली जाए तब वो निकालते हैं। फरहान भाई आए तो हम निकलते हैं, फिर रिजवान की तरफ जाना है। रिजवान से मेरा रब्ता हो चुका है और वो हॉस्पिटल में ही है। अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह उसके लिए मुश्किल आसान करे, अल्लाह उसके बेटे को सेहत और तंदुरुस्ती दे। अल्लाह ताला उसके लिए बच्चा है काफ़ी, और उसको इस तरह इंजेक्शन और काफ़ी इतने ज़्यादा टेस्ट उसके हुए मेरे सामने, तो 4-5 दिन का बच्चा हो और इतनी चीज़ें उसके साथ हों, तो अल्लाह ताला हर इंसान के लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि रोड ब्लॉक पाकिस्तान में ये बड़ा मसला होता है। अब मुझे ये पता नहीं किस मसले की वजह से रोड ब्लॉक किए हुए, लेकिन फरहान ने मुझे कहा कि आगे गाड़ी नहीं आ सकती, तो लिहाजा बाइक पर आ सकते तो आ जाओ। पैदल भी जाया जा सकता है, लेकिन बाइक पे थोड़ा एक जल्दी चले जाएंगे, और जहाँ पर ब्लॉकेज शुरू हो रही है वहाँ तक हम जाएंगे, वहाँ गाड़ी खड़ी है, वहाँ से फिर गाड़ी। जीशान भाई ने जी हमें ड्रॉप कर दिए, मलक साहब की गाड़ी खड़ी हुई है जी, और अभी हम मलक साहब को जाके मिलते हैं, उनकी गाड़ी में बैठते हैं, फिर रिजवान भाई की तरफ जाते हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम मलक साहब, क्या नबी को जिम ड्रेस में मलक साहब आ गए हैं जी, और हम भी तकरीबन जिम वाले में ही हैं, क्योंकि क्या कहते हैं उसे, सर्दियां हैं क्या, अभी सूट बूट ऊपर वास्कट और जूती पहनते हैं, इसमें कंफर्टेबल है, और काफी टोपी शोपी पहनी हुई है। तो मैं तो कह रहा था सूट पहनूं, लेकिन शाहजी कहते हैं मैं ट्राउजर में हूं। यार वैसे सोचने की बात है, वहां में कौन, किसी के घर तो नहीं जा रहे ना, एयरपोर्ट है वहां से भाई अपना बंदा उठाओ और घर को, वहाँ कौन जाता है। रिजवान भाई से तो हमने मिल लिया जी, अभी वहाँ पे वीडियो नहीं बना सका क्योंकि हॉस्पिटल था, तो इस वजह से, और अभी हम जाते हैं, टाइम अभी है हमारे पास, तो कुछ खा लेते हैं क्योंकि रात का खाना नहीं खाया। क्यों जी? जी बिल्कुल। क्या खाएं जी, कोई फास्ट फूड
खाने का दिल और सूट ही खाएंगे क्योंकि मैंने तो खाना भी खाया हुआ ये खाने के बाद वो मीठे में अभी फास्ट फूड खाएंगे क्योंकि माशाल्लाह अभी ये कह रहे हैं कि मैं जिम से आया हूँ डाइटिंग पे इसकी डाइटिंग माशाल्लाह डाइटिंग का मतलब है कि डाइट ज्यादा लेनी है खानी है क्या जी डाइटिंग नहीं मतलब होने और क्या मतलब वही ना तो अभी फिर यही है कि केएफसी और मैकडॉनल्ड्स का तो हम बायकॉट कर रहे हैं जी ऑलरेडी और फिर जाएंगे अपने ब्रांड जो पाकिस्तानी ब्रांड है चीजेस वहाँ जाके कुछ खाते हैं हमने सेलेक्ट कर लिया जी क्राउन क्रस्ट और लार्ज वाला हम मंगाएंगे ये लार्ज वाला तकरीबन 1850 का है तो ये वैसे पहले भी खा चुके हैं काफ़ी अच्छा होता है इनका क्राउन क्रस्ट ये इनकी स्पेशलिटी भी है तो हमने साहब लगाया कि जी ये हमारा गुजारा इससे मुश्किल होगा क्राउन क्रस्ट से तो हमने ये प्लेटर भी कर लिया है कौन सा है जी क्लासिक रोल प्लेटर इसमें 8 रोल होते हैं 4 बिहारी रोल्स और 4 जो है अरेबिक रोल्स हैं नहीं मिक्स करने हैं ठीक है कितना कितना टाइम लगेगा ठीक है सर थैंक यू ये जी हमारा चैलेंज है कि मैं इसको भगने नहीं दूंगा मेरा और फरहान भाई का मुकाबला लगने वाला है जी और ये हमारे पास 2 कैचअप की बोतलें हैं तो हमने जो मुकाबला करना है उसमें ये करना है कि इसको दबाना है इसको ऊपर ले गया ना वो फिर वापस जाएगा अगर जिसका वाक गया तो प्रोग्राम वाड़ गया ठीक है जी चलो जी करेंगे राउंड 1 फाइट आई जल्दी जल्दी ओ फरहान भाई आप हार गए ये फरहान भाई हार चुके जी इधर इधर ये फरहान भाई आ रहे हैं जी ये देखें इनका गन मैंने कैसे संभाला है और आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे एक प्रोग्राम सारा वाड़ गया कैचअप यहाँ तो फिर लग गया जी प्रोग्राम सारा मैं जीत चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो तू इस दुमन पे शाह वो तू दिल दुमन पे पिछला मुकाबला तो हार चुके हैं लेकिन अभी ये कहते हैं हाई मैंने कहा ये अगला मुकाबला ये मैं जीत लूंगा ये देखिए वो तो छोटी छोटी होती है ये भी मिस्टर ओलंपिया लेवल का पहले इस पे ढक्कन लगा हुआ था ये ढक्कन उतार के अभी ये कहते हैं कि खुले आसमां के नीचे काम करना है ये आप पूरी बोतल इसका दिल है कि ये पूरी बोतल यहाँ पे डोल सटे हाँ उल्टा दे यहाँ पे हमारी उर्दू भी उलट गई है ना क्या बात है जी क्या बात है ये वैसे उस दिन खाए हैं मैंने ये थोड़े स्पाइसी होते हैं या पता नहीं ये वाले स्पाइसी होते हैं बिहारी वाले थोड़े स्पाइसी होते हैं हाँ ये बिहारी वाले स्पाइसी होते हैं मामूली सा स्पाइस इसमें ज़्यादा होता है और ये वाले ठीक होते हैं तो जैसे आपकी टेस्ट बर्ड्स आपको इजाज़त दें उस हिसाब से आप मंगा लें फिलहाल हम खाते हैं इसको जी क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा जो कि यहाँ की स्पेशलिटी है बहुत ही मज़े का होता है खाने में बहुत ही मज़ेदार अगर यहाँ आए तो क्राउन क्रस्ट लाजमी ट्राई कीजिएगा अगर आप चीज़ें नहीं आए पहले तो मेरा तो पसंदीदा है इसके अलावा स्टफ क्रस्ट काफ़ी अच्छा है ये भी अच्छा है तो दोनों ट्राई करें मज़े के होते हैं क्यों जी नाइस तो हमने खा लिया जी बहुत ही बेहतरीन था और वो रोल्स भी काफ़ी अच्छे थे जो अरेबियन थे उनमें ज़रा स्पाइसेस कम थी तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा फरहान भाई वो अच्छा था ना जी वो ज़बरदस्त और जो स्पाइसेस पसंद करता है तो वो फिर बिहारी वाले का है राजा बिहारी वो वाले मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा है तो उसके बाद अभी हम जाएंगे जी पेट्रोल पवाएंगे क्योंकि ये गाड़ी कहती है मुझे भी कुछ खिलाओ तो अभी इसको कुछ खिलाना पड़ेगा उसके बाद जाएंगे बाइक को ले हमारे साथ बने रही है वॉच टाइम नहीं पूरा होना पूरा ब्लॉग देखें लाइक करें सब्सक्राइब करें कोई सजेशन हो तो वो हमें बताएं जी हाँ नेगेटिव कमेंट से परहेज करें जी ठीक है
क्या जी, हम पहुंचे हैं जी एयरपोर्ट और पार्किंग पहले नहीं मिल रही थी, काफ़ी मुश्किल से एक पार्किंग मिल रही, वहाँ पर गाड़ी लगाई है वहाँ पीछे, और अभी पार्किंग से काफ़ी दूर एयरपोर्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जाते हैं अभी, टाइम तो काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी अर्सा हो गया, तकरीबन 7-8 साल हो चुके हैं उनको गए हुए ब्राज़ील से, फिर ब्राज़ील से यूके, तो अब यूके से वो आ रहे हैं, ब्राउज़र खोल गए हैं, ये कहते हैं फूल लेके जाओ यार, क्या है फूल, हम खुद ही फूल हैं ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह फूल जरा मुरझाया है, ये गोपी ना फूल तको, ये गोपी ना फूल ने, ये QR 632 जो है दोहा से आ रही है 1:40 पे, सो टाइम तो यहाँ पे ठीक दे रही है, अब अल्लाह करे किसी टाइम पहुँचे और ज़्यादा वक्त ना लगे। प्राण भाई जी, भाई ने मैसेज किया है कि वो 25 मिनट में आ जाएगा, अभी एक बजकर 10 मिनट हुए हैं और 40 पे आना है, तो 25 मिनट में वो कह रहे हैं पहुँचने वाले हैं। जी हमें कपा ना करें, बोले कहा 1:40 तो वो क्या सुपरमैन मान के आएगा खुद, जब उतरे कभी आएगा, वो कह रहे हैं वो जो पायलट है ना उसका वाकिफ निकला है उसने क्या जो एक्सीलेटर दे, मैं प्राग खला पर खला इंतजार पर कर रहे हैं, ये नहीं बोला एक्सीलेटर पे था, एक्सीलेटर पे था वो, उसने बोला पर उसने छोड़ा नहीं है। मैं जी पार्ट टाइम कैरोप्रैक्टर भी, इनके बैग के तो निकल गए लेकिन इनकी घाटे के निकालने, घाटा वाला है थोड़ा ज्यादा, चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया। पानी पीने की जगह बनाई हुई यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको कुत्ता बन के पानी पीना पड़ता है कुत्ते वाले स्टाइल से। फुल चिल माहौल में आ रहे हैं जी लोग, लगता है ऐसे लगता है वॉशरूम से निकल गए हैं, तौलिया फेंका हुआ ऐसा देखें, ये जेलों से निकल गए हैं, जेलों से निकल गए, ये जेलों से निकल गए हैं जी। वेलकम टू पाकिस्तान ब्रो, आफ्टर 7 इयर्स, अस्सलाम वालेकुम। मुबारक वेलकम टू पाकिस्तान जी, 7 साल बाद भाई जी आए हैं, 7 साल बाद, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से आ गए हैं और बहुत खुशी हो रही है, वाले सीटियां मार रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये भाई हैं जी मेरे बड़े, और 8 साल तकरीबन हो गए इनको गए हुए, अभी 8 साल बाद आए हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, वैसे ही माशाल्लाह फिट एंड हेल्थी है, मैं तो गंजा हो गया, इनके बाल अभी थोड़े बहुत है, थोड़े बहुत के चंगे भले थोड़े सामने तो बाल है, हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों नाल डील करना होता है, बिल्कुल सही। सलमान भाई का गिला है जी कि ये कैसा एयरपोर्ट है, क्योंकि यूके से आए हैं 7 साल बाद, तो ये बड़े हैरान हुए, कहते हैं कि ये कैसा एयरपोर्ट है, कैसे मामलात है, क्योंकि यहाँ पे कोई सलवार में आ रहा है, किसी ने वो बनियान पहनी हुई है तंदूर वाली। सलमान भाई बड़े वो हुए हैं, अभी इनको मजीद इस तरह के चीज बहुत सरप्राइज मिलेंगे, यहाँ पे आए देखेंगे रोड पे खड्डा देखेंगे, कहेंगे ये क्या सीन होगी। सो ग्राइंस हम पहुंच आए हैं खैर आफियत से अपने घर को, फरहान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें पिक एंड ड्रॉप किया, और जो अरसलान भाई अभी यूके से ताज़े आए हैं, तो इनका दिमाग ज़रा वो अंग्रेज़ों वाला हुआ हुआ है, कभी देखते हैं कि यहाँ पे धूल मिट्टी क्यों है, कभी कहते हैं ये रोड पाटा हुआ क्यों है। अभी इनको ये भूल गए, इनकी मेमोरी दोबारा से रिकॉल करनी पड़ेगी कि ये पाकिस्तान में हफ्ता की रहेंगे, इनकी ज़रा ट्यूनिंग शीनिंग या के हिसाब से होगी तो ये एडजस्ट हो जाएंगे या के माहौल से, और अभी रात का काफ़ी लेट हो चुके हैं, रात हो चुकी है तकरीबन 3:30 4 का टाइम है, और
नींद भी काफ़ी आई हुई है, आंखों में नींद ना दिल में करार, मोहब्बत भी क्या चीज़ होती है यार। तो बाद आ जा जिंदगी रही तो नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपने दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान, अल्लाह हाफिज़।